हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूनिट 2 मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम पूरी की पूरी तैयारी करा रहे हैं, यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से करा रहे हैं। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी किया हुआ है, बाकी के भी किए हुए हैं, लेकिन अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहे हैं और अच्छी तरीके से आपको कवर हो इसके लिए वीडियो में लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि टोटल मिलाकर आपको 12 आपको टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से पहला टॉपिक जो है वो नेशनल इनकम का है। यानी कि आपको दिखने में लग रहा होगा बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जब आप डिटेल करोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक आपको नज़र आएगा ये नेशनल इनकम का। इसके अलावा अगला आपको पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्लासिकल मॉडल और न्यू क्लास और केंजियन मॉडल दोनों पढ़ने हैं। साथ ही साथ क्लासिकल में और केंजियन अप्रोच में डिफरेंस करना है, वो हम आपको अलग अलग वीडियो में बताते रहेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। क्योंकि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन तो यही रहती है भाई, कई सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ हम लेंगे, बस हमें ये बता दो कि पढ़ना क्या है। तो क्या पढ़ना है वो मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से समझाता रहूंगा। इसी तरीके से कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, मल्टीप्लायर है और एक्सीलेटर है। तो ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो केंजियन अप्रोच ही हो गई। यानी कि आपको सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच पढ़नी है, क्लासिकल अप्रोच के बाद केंजियन अप्रोच पढ़नी है, केंजियन अप्रोच के बाद आपको न्यू क्लासिकल मतलब मॉनेटरिस्ट अप्रोच पढ़नी है, जो कि आपका ये वाला टॉपिक में आ जाएगा। पूरी तरीके से मिल्टन फ्रीडमैन का जो अप्रोच है वो पढ़ना है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी बहुत डिटेल है। यानी कि इसके अंदर आपको मनी क्या है, फंक्शन क्या है मनी के, केंजियन डिमांड फॉर मनी क्या है, पोस्ट केंजियन डिमांड फॉर मनी क्या है, इसके अलावा मनी सप्लाई क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी सप्लाई के कंपोनेंट क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो बहुत बड़ा सिलेबस है। इसके अलावा ISLM मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों के लिए, स्लोप, इसका फार्मूला, इसके न्यूमेरिकल सब हम करवाने वाले हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन और आपका जो फिलिप्स कर्व है, तो फिलिप्स कर्व के बाद आपको कई तरीके के फिलिप्स कर्व बने हैं, एक्सपेक्टेड आर्गुमेंटेड फिलिप्स कर्व है, रैशनल एक्सपेक्टेशन फिलिप्स कर्व है, ओल्ड फिलिप्स कर्व है, मॉडर्न फिलिप्स कर्व है, कितने तरीके के फिलिप्स कर्व है जो आपको पढ़ने हैं। अब दिखने में तो लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल रिलेशन बता देना है, लेकिन जब आप स्टूडेंट हो और आप डिटेल में पढ़ोगे तभी आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट कवर में आएगा। बिजनेस साइकिल आपको कवर करना है, इसके अलावा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आपको कवर करनी है, ये रिपीटेड है, आपको ये दो बार पढ़ना पड़ेगा। हालांकि दो बार हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन ओवरलैपिंग है एक तरीके से। इसके अलावा रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये न्यू क्लासिकल अप्रोच आ गई है। इसके अलावा बच्चों सिलेबस में नहीं दिया हुआ है न्यू केंजियन अप्रोच, लेकिन उसके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पिछले देखिए, सबसे पहले हम कंटेंट कवर कर रहे हैं, कंटेंट कवर कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, फिर पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है लेकिन हमने कवर नहीं कराया है, तो हम वो भी कवर कराएंगे। तो ये सारा का सारा कंटेंट हम आपको कवर कराने वाले हैं, यानी कि अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सके इस बात की पूरी चिंता हमें करनी है और आपको चिंता करनी है कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो कोर्स के लिए बच्चों हमने अपना मतलब एक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है, आप चाहो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप यूट्यूब के माध्यम से चढ़ना चाहे तो यूट्यूब पर भी हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो ये बच्चों हमारा कोर्स है, पेड कोर्स है और 7000 फीस है। हालांकि अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है तो 5000 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, होली का डिस्काउंट इस पे अभी है। और कंटेंट की बात करें तो कंटेंट इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही है, मतलब आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आप हिंदी में हो तो आप कैसे पढ़ोगे, इंग्लिश में हो तो आप हिंदी में कैसे पढ़ोगे, आपको दोनों जगह आपको अलग अलग कंटेंट मिलेगा, अलग अलग नोट्स, अलग अलग टेस्ट सीरीज हमने बनाई हुई है। तो वीडियोज की बात करें तो ये देखिए ये मैक्रो का है, हम केवल मैक्रो पर फोकस कर रहे हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से आपका सिलेबस है इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इस तरीके से ही हमने आपका पूरा का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से अपने टॉपिक को कवर कर सकें, सिस्टमेटिकल तरीके से टॉपिक को कवर कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप अच्छी तरीके से कवर करोगे तो एक महीने के अंदर आपका मैक्रो कवर हो जाएगा। यानी कि मार्च आप पूरी तरीके से तैयार कीजिए कि आपका मैक्रो कवर हो जाए, क्योंकि मैक्रो और माइक्रो में ही सबसे ज्यादा समय आपका लगता है। उसके अलावा आप पब्लिक फाइनेंस बहुत छोटा सा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी एटलीस्ट एक महीना लगेगा, मतलब ये तीन है जो एक एक महीने लेंगे, बाकी के सब 15-15 दिन में कवर आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। तो आपको 6 महीने के अंदर आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, इस बात की चिंता बच्चों मैं कर रहा हूं। इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आपकी कोई क्वेरी होगी, लेकिन बच्चों देखिए हमारी लिमिटेशंस है, ये व्हाट्सएप ग्रुप केवल पेड स्टूडेंट के लिए ही है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें टीचर भी अवेलेबल होंगे, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, डाउट होगा, तो आप क्वेश्चन भी आप वहाँ से पुट अप कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन बच्चों आप प्रयास ये कीजिएगा कि अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा
और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रूम करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, और आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तैयार कर लीजिए। बच्चों बुक्स की बात करें तो देखिए मैंने तो कई सारी बुक्स यूज़ की हुई हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो मैंने बुक यूज़ की है। एक तो एच एल आहूजा सर की बुक मैंने यूज़ की हुई है, और इसके अलावा दीपाश्री मैम की बुक आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये मैंने यूज़ की, ऑनर्स लेवल की है, हाई लेवल की इसमें बातें लिखी हुई हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो एडवांस लेवल की। और टी आर जैन सर की बुक मैंने यूज़ की हुई है। तो मैक्रो इंग्लिश मीडियम में तो खैर मैंने काफ़ी सारा कंटेंट कई जगह से और जगह से भी लिया है ताकि आपको परफेक्ट तरीके से वीडियो मिले, और नोट्स आपको भी मिलेंगे, आप नोट्स भी हमारे डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको जरूरत पड़े उसमें एडिट का आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे नोट्स थोड़े लेंथी हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स अपने खुद बनाइएगा। लेकिन अपनी तैयारी करेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो 4 महीने के अंदर यूजीसी नेट की तैयारी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको 1 ईयर वैलिडिटी कोर्स की दे रहा हूं, ताकि किसी वजह से अगर आपका एग्जाम एक बार में क्रैक ना हो, हो सकता है पहली बार में नेट क्लियर हो जाए, आपको जेआरएफ की जरूरत हो, तो पूरा का पूरा कोर्स 1 ईयर तक आपके लिए वैलिड है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।